किसान भाइयों नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आज की इस वीडियो में आपको एक गजब की चीज दिखाने वाला हूं। अक्सर जब भी अपने राजस्थान का नाम सुनते हैं तो अपने जहन में आता है कि टिब्बे या फिर बिना पानी वाली जगह, लेकिन राजस्थान के टिब्बों में आपको धान की फसल मैं जो दिखा रहा हूं, आपको एक बार सोचकर हैरानी होगी कि जो किसान साथी हमारे साथ हैं उन्होंने राजस्थान के टिब्बों में भी धान लगा रखी है। और ना सिर्फ लगा रखी है, ऐसी धान आपको शायद हरियाणा पंजाब में भी ना देखने को मिले। यानी डेढ़ महीने की फसल होगी, कोई रोग दो, कोई कीट, कोई पीलापन कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया शानदार फसल खड़ी है। तो अंकल जी से अपने जानेंगे कब इसको लगाया गया, कितनी मेहनत करी है, और अगर राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर धान की फसल हो सकती है तो जो नरमा कपास अपना लगातार फ्लॉप हो रहा है उसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। राम राम जी। पहले तो एक बार जो अपने किसान भाई देख रहे हैं उनको अपना नाम बता दो। नाम शीशपाल। शीशपाल जी, गाँव कौन सा पड़ता है अपना? ये गाँव गुड़िया। गुड़िया नॉर्थ तहसील का गाँव राजस्थान में, ठीक है। अपना धान की फसल है, कद की बिजाई कर रही है? और साथ में भी नहीं, 7-8 तारीख की, 7 जुलाई की बिजाई अपनी, ठीक है। तो पहले ये बताओ, नॉर्मल तो आप जैसे पहले से खेती करते आ रहे हो, ग्वार बाजरा लगा लिया, मूंग मोठ लगा लिया या नरमा लगा लिया, यहीं तक सीमित थे अपने? तो अब की बार ऐसे मन में कैसे मन में आई कि धान लगाए? धान तो ऐसे रिश्तेदार बोले अगर धान लगा के, अच्छा वो यार धान हुए को नहीं, मुको वह बाजरी को जरा धान हुए, अच्छा बोले पिता तो सुनी दिया, अच्छा मतलब ट्राई करने खातर लगाया? ट्राई करने खातर लगाया सिर्फ, ठीक है। कौन सी वैरायटी अपनी? परमल। परमल, ठीक है, परमल वैरायटी है। तो पनीरी आपने खुद तैयार करी या लेके आए कहीं से? कठू को नया घरे ही तैयार करी थी, बीज रहे फतेवा, अच्छा और घरे ही बना ली? घरे बनाई, ठीक है। तो बिजाई अपनी जुलाई महीने में रेडी है, डेढ़ महीने की फसल होगी। अब तक डेढ़ महीने में कोई दिक्कत आई है वहाँ? कोई दिक्कत को नहीं, एक लगाया जो पीड़ा होया 5-7 दिन बाद में, अच्छा फिर सब स्प्रे कर दी, फिर बाद में हो गया, ठीक है। अब तो बहुत बढ़िया खड़ी, मतलब शानदार, एक नंबर को है, ठीक है। पानी कितने दिनों देने लग रहे हो? पानी 4 दिन भरा दी, 4 दिन, 3 दिन पानी खड़े हो रहे जी आपने? 3 दिन खड़े हो रहा है, ठीक है। 4 दिन दोबारा लगा दो, तो नहर को भी लगाओ या सिर्फ ट्यूबवेल पर? नहर को ही लगा दिया, ट्यूबवेल को ही लगा दिया, ठीक है। तो एक तो आप मोटी फसल लगाने तब हम तो इतना पानी की जरूरत कौन पड़ती, अब धान में हर 4 दिन पानी देने लग रहे हो, खर्चो तो बढ़ी हुई है अपना, खर्चो तो बढ़ा है। तो के कुछ आइडियो लगा था ना भैया, पूरी सक्सेस हो जाएगी अपने? पूरी हो जाएगी, नरमैना जीत में रहा, ठीक है। अपन जब पूरे भारत में लाखों किसान देखने लग रहे हैं, अगली साल अगर कोई किसान भाई, क्योंकि नरमो है अपनों सुंडी की वजह लगातार किसान हम बैठ रहे हो, अभी सुंडी आवेगी, बड़ो बड़ो हेड़ो ही बादियो, तो अब की अगली साल अगर कोई किसान धान की फसल राजस्थान जैसे प्रदेश में अगर थोड़ा बहुत पानी है लगाना चाहो तो क्या करना चाहोगा? लगाओ, लगानी चाहिए, लगाओ पानी आपने सुविधा है तो लगानी चाहिए, लगाओ। हाँ, लोगों के मन में ये था कि राजस्थान में धान नहीं होता या नहीं हो सकता, वे क्यों लगाया हुए? पानी जमीन अगर अपनी ठीक है बिल्कुल लगाना चाहिए, पानी हुआ लग है, ठीक है। अच्छा जी, अपने जब भी कोई नया काम करते हैं तो टांग खींचने वाले भी बहुत आते हैं जी। भाई आपा धान लगाई तो लोग आस पड़ोस सारा धान कहो भी होगा भी वो के करने लग रहे हो? कहो के करने लग रहे हो बाजरी को, धान लगाओ। अच्छा, फिर भी आपने मतलब दूसरा ही सुन के आपने करी है मना रही तो एक जरूर भी, ठीक है। अब तो कहता होना यार तू जीत में रहे हो, अब तो क्या फायदा में रहे हो, ठीक है। अगली साल धान देख के ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 किलो दाम में लगेगा आराम ला, पड़ोसी कापड़ा तोड़े अपनो बढ़िया निकल गए तो अगली साल तो बड़े को रखबो, रखबो बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा इनके एक पड़ोसी और है, उनसे भी जानते हैं कि ये फसल उनको कैसी लगी। राम राम जी। अपने एरिया में पहली बार धान लग गया है, तो बिंग बारे में केक होगा भी धान की फसल किया है और लगानी चाहिए ना लगानी चाहिए? लगानी चाहिए, एकदम बढ़िया फसल है। लगानो ए लगान लग रहा है के सोचो? नहीं सोचो आई के कामयाब हो ना हो गर्मी बचा या पानी सोचे सो, अब बढ़िया लगी है, बढ़िया लगी है। आगे थार लगानो आइडियो? आइडियो देखो भी आगे जी बढ़िया फसल हुई तो लागो धान अपने एरिया में। अच्छा, मौका ही खड़ी फसल देखा तो संतुष्ट लागो थे? संतुष्टि है, लागो धान, ठीक है। बाकी आपने निकले भाई सामने आ जाइए, पतो लाग जो, पतो लाग जो, ठीक है। अभी तक थाने खड़ी फसल ने देखे के लागे कामयाब है? पूरा कामयाब बढ़िया है, ठीक है जी। अच्छा, हम खाद वगैरह की दी आपा? खाद ही मिली है 25 किलो डीपी। बिजाई के टाइम? हां 1.5 कट्टो यूरिया, मतलब पहले दूसरे पानी के साथ दे दी यूरिया, ठीक। और कोई फंगीसाइड की स्प्रे वगैरह? फंगीसाइड या स्प्रे करिए, ठीक है। कितना खर्चा आ गया अपना अब तक? खर्चा 10,000 रुपये बैठ गया। 10,000 रुपये टोटल खर्चा आया पानी का, दवाई का, सारा पानी तो घर को ही आ गया, मतलब वो तो अपना बिजली का कनेक्शन है तो वो ना जोड़ो, ठीक है। हरियाणा पंजाब के अंदर धान की फसल में अब की बार कुछ दिखते हैं, पिछली बार भी जब बकानी या झंडा रोग या फिर इसमें BLB एक ब्लाइट भी आ जाती है, तो कई जगह किसान है धान वाले भी परेशान है। अपने अभी तक खड़ी फसल में कोई दिक्कत आपको लगी? कोई दिक्कत को नहीं, एकदम साफ सुथरा साफ है एकदम, ठीक है, कोई तकलीफ को नहीं।
ठीक है। अच्छा जी एक चीज और बताओ, नॉर्मल जब अपने राजस्थान की बात आती है तो ये होता है कि पानी वहाँ मतलब कितना सोआंगण भी नहीं बरस जाए तो दिन के पहला पानी सारो साफ पावे। तो आपने जमीन के अंदर थेको अभी तीन दिन पानी खड़े रह जाए, तो जमीन के टाइप की आपनी मतलब रेतीली है एक लाल मिट्टी है, नीचे लाल मिट्टी है ऊपर मतलब दोगली सी मिट्टी है, मिक्स है। ठीक है। और पानी हमें शुरुआत में ही भरने लग गयो तो दो तीन दिन पर लगातार पानी दियो बाद में अभी भरने लग गयी कई दिन तो भरे रखियो। अच्छा सात आठ दिन डेली चला देते हैं, डेली चलती बिंग बाद में काई आ गई तो पानी फिर वो कद्दू कद्दू करके लगा दिया फिर पानी छोड़ना जो कायरी से आगे पानी संभालना जो। ठीक है। अच्छा जी अपने वीडियो देख के अगले साल के लिए कोई किसान भाई धान लगाने की सोचे तो क्या करना चाहोगे, कामयाब है अपने एरिया में? हाँ अपना कामयाब है, पानी है कामयाब है। मैं लगास कहाँ पर? लगास पे। ठीक है जी। अच्छा एक चीज और बताओ, आप जब फाइनल हार्वेस्टिंग करेंगे तो कंबाइन की सुविधा है या हाथों से कटाई करनी पड़ेगी? कौन जी आटा भी काटना पड़ेगा, हाथ से काट के हाथ से झटकानी पड़ेगी। ठीक है, वो थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी लेकिन कामयाब होगी तो अगले साल कंबाइन भी आ जाए, फिर तो कई दूर में लग जाए तो लग जाए रकबा बढ़ेगा तो वो भी आ जाएगी। अच्छा अगले साल के लिए कोई किसान भाई लगाना चाहे तो आप क्या कहना चाहोगे, लगाना चाहिए? लगाना चाहिए कोई आधा किलो लगाओ, दो किलो ट्राई जरूर करके देखो, ट्राई करके देखो। ठीक है। तो किसान भाई उम्मीद करेंगे जो वीडियो हमने आपको दिखाया आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर।